यातायात विभाग के नियमों के खिलाफ सोमवार को गोरख पूर्वांचल ऑटो एसोसिएशन के बैनर तले ऑटो चालकों ने हड़ताल कर दिया, जिससे मुसाफिरों को काफी दिक्कतें उठानी पड़ी। हड़ताल कर रहे ऑटो चालकों ने अपने ऑटो को जगह जगह खड़ा कर दिया, जिससे यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ी। ऑटो चालकों के हड़ताल को देखते हुए एडीएम सिटी की अध्यक्षता में यूनियन के पदाधिकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ कलेक्ट्रेट सभागार में एक बैठक करके उनकी मांगों पर सहमति बनाई गई। बैठक में एसडीएम प्रशासन प्रभुनाथ, सिटी मजिस्ट्रेट अजीत कुमार सिंह, एसपी सिटी विनय कुमार सिंह, एसपी ट्रैफिक आदित्य प्रकाश वर्मा, एसोसिएशन के महामंत्री शत्रुघ्न मिश्र सहित संबंधित विभागों के अधिकारी और यूनियन के पदाधिकारी मौजूद रहे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए यूनियन के पदाधिकारी और सिटी मजिस्ट्रेट अजीत कुमार सिंह ने बताया। दाना सही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एसपी ट्रैफिक ट्रैफिक इंस्पेक्टर होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। एसपी ट्रैफिक होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। देरी जाओ, आप अपने अपने साधन से जाओ भाई, जहाँ जिसको जाना है मालूम नहीं है। और सभी ऑटो चालक और ऑटो मालिकों को अखबारों से लेके और प्रशासन के लोग ठोक देते हैं। सड़कें हैं, उन सड़कों को अगर छोड़ दिया जाए तो महानगर परिसर के भीतर जिनकी जितनी भी सड़कें हैं वो सब 1956 के मानक के अनुरूप है। कि प्रशासन से हम लोगों ने कई बार मांग किया और साइंस सिटी मजिस्ट्रेट साहब के यहाँ ठंडे कस्ते में फाइल पड़ी हुई है। गोरखपुर में ऑटो स्टैंडों की व्यवस्था पुनर्निर्धारित की जाए, स्थापित की जाए। संबंधित सारे थाना अध्यक्ष, एचओटी इंजीनियर, पीडब्ल्यू एक्ट उन्होंने स्थापित करवाया था मोटर व्हीकल एक्ट अधिनियम के तहत। उन 14 स्टैंडों में करीब नियर अबाउट 5 स्टैंड अपने आप कोलैप्स कर गए सड़कों के चौड़ीकरण के संबंध। और अगर ये व्यवस्था हो जाएगी तो आम जनमानस को जाम से राहत मिलेगी और प्रशासन को भी थोड़ा शांत से रहने का मौका मिलेगा, लेकिन इस पे काम नहीं। ये वो ना हो तो जो भी चलना है स्टैंड वहाँ थोड़ी सी ऑटो अपना व्यवस्थित खड़े हों, वही हम लोग विचार है जो है नहीं बना। हम लोग भी चाह रहे साहब, मुख्यमंत्री का सर है उसके अनुरूप। हाँ बिल्कुल वही वही चाह रहे हैं हम लोग भी। स्वामीनाथ खरवा, हम टेम्पू वाले 27 तारीख को जिलाधिकारी के नाम ज्ञापन दिए थे। ज्ञापन में हम लोगों ने अपनी मांगों को बताया था। कार्रवाई न होने के नाते आज हम लोग आंशिक रूप से हड़ताल पर थे। खुद महाराज जी के दिशा निर्देश में सारे अधिकारी हम लोग साहब मिले, हम लोग की बातों को इन लोगों ने सारी मांगों को मान लिया है, जिसके लिए हम खुद महाराज जी से लेकर के जिला प्रशासन सबको धन्यवाद देते हैं। और इन लोगों ने आश्वस्त किया है कि किसी भी टेम्पो पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई अब नहीं की जाएगी। इसके लिए जिला प्रशासन को, कुछ महाराज जी को हम लोग बार बार धन्यवाद देते हैं। हम सबका 3 बिंदु को लेकर के 3 मांगे थी जो एडीएम सिटी में होता है, ने हम सबकी मांग को माना है, जो जायज मांगे थी। नंबर 1 कि गोरखपुर में जब तक सीएनजी की व्यवस्था ना हो जाती तब तक किसी भी ऑटो गाड़ियों को शहर से बाहर न किया जाए। और दूसरा ये कि जिस प्रकार उपेंद्र सिंह के प्रताड़ना से, उपेंद्र सिंह कौन है, उपेंद्र सिंह टीआई
ट्रैफिक इंस्पेक्टर उनके प्रताड़ना से जो गाड़ियों को जबैया सीज कर 12,000-20,000 जुर्माना लगा करके आरटीओ को भेजा जा रहा था, इस तरह का कार्रवाई न हो। तीसरा ये कि जो जबरिया गाड़ियों को क्षतिग्रस्त कर और सीटों को काटा जा रहा था, ऐसा कार्रवाई न हो। यदि ऐसा कार्रवाई होता है तो जनता को अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा। इन तीनों विषयों को अधिकारियों ने माना है, स्वीकार किया है और उन्होंने हड़ताल आश्वस्त किया है। उन्होंने कहा है कि ये सभी तीनों विषय आपका मैं स्वीकार करता हूँ और ऐसा अब नहीं होगा। जो भी प्रशासन को मैं अपनी तरफ से धन्यवाद देता हूँ, नए वर्ष की शुभकामनाएं देता हूँ और साथ ही साथ ऑटो चालकों को भी नए वर्ष की शुभकामनाएं और शुभ अवसर पे इतनी बड़ी उनकी जीत हुई है, इसके लिए शुभकामनाएं देता हूँ। हड़ताल समाप्त हो गया आपका? जी, हड़ताल मेरी मांगों को मान लिया गया, एक दिवसीय हड़ताल था, हड़ताल हमने समाप्त कर दिया। अपने लोगों के बीच में मैं जा रहा हूँ, जो अधिकारियों का वार्ता रहा है वो मैं बता दूंगा, आश्वस्त करूंगा, हड़ताल समाप्त हो जाएगा। मैं थी अभी एसपी ट्रैफिक साहब और एडीएम सिटी साहब के साथ भी वार्ता हुई है, बैठक भी हुई है और इसमें जो भी इनकी मांगे थी एसपी ट्रैफिक साहब ने आश्वस्त किया है कि बहुत जल्दी उसको जो भी इनकी मांगे हैं उसको सुलझा लिया जाएगा और जो इन लोगों को समस्याएँ हो रही हैं उसका व्यवहारिक समाधान खोजा जाएगा।